हेलो एंड वेलकम बैक टू ई एच एस समिति यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल लिफ्टिंग परमिट टू वर्क इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। क्रिटिकल लिफ्टिंग आइडेंटिफिकेशन का उसास का जो प्राइम क्राइटेरिया है उसमें किसी भी तरीके का क्रेन का रेटेड कैपेसिटी का 75% से ज़्यादा अगर लोड को लिफ्ट किया जा रहा है तो उसे क्रिटिकल लिफ्ट के कैटेगोरी के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड, किसी भी तरीके का लोड को लिफ्ट करने के समय मोर देन 2 क्रेन का अगर रिक्वायरमेंट है तो इस तरीके का लिफ्ट को भी क्रिटिकल लिफ्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी क्रिटिकल लिफ्ट का कंडीशन में मैन लिफ्टिंग, लिफ्टिंग लोड जो कि सस्पेंडेड हैंगिंग कंडीशन में है एंड बिलो द लोड पर्सन वर्किंग कंडीशन में है, ऐसा लोड जो कि क्रेन ऑपरेटर व्यू नहीं कर पा रहा है, लोड जिसका वैल्यू बहुत ही एक्सेप्शनल है, ये कॉस्टली भी हो सकता है एंड ये बहुत ही सेंसिटिव इक्विपमेंट भी हो सकता है, लिफ्टिंग लोड जो कि अनस्टेबल कंडीशन में है जिसके कारण रिगिंग अनस्टेबल हो सकता है, ये सब क्राइटेरिया क्रिटिकल लिफ्ट के अंदर आता है। क्रिटिकल लिफ्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद क्रिटिकल लिफ्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए क्रिटिकल लिफ्ट प्लान बनाना जरूरी है जिसमें साइज एंड वेट ऑफ द लोड को आइडेंटिफाई करना होता है, कौन सा इक्विपमेंट में लोड को लिफ्ट करेंगे उसका आइडेंटिफिकेशन होना भी जरूरी है, लिफ्टिंग इक्विपमेंट का बूम लेंथ एंड बूम एंगल क्या होना चाहिए उसे भी डिटर्मिनेशन करना पड़ता है, क्रेन बूम का पोजीशन क्या होना चाहिए उसे भी डिटर्मिनेशन करना होता है, क्रिटिकल लिफ्ट को एग्जीक्यूशन करने के समय कौन कौन की पर्सनल वो एरिया में प्रेजेंट रहेगा उसे भी आइडेंटिफाई करना होता है, क्रिटिकल लिफ्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या सीक्वेंसिंग ऑफ वर्क को एडॉप्ट करना है उसको डॉक्यूमेंट करना एंड कम्युनिकेट करना टू द टीम ये भी करना होता है, क्रिटिकल लिफ्ट को एग्जीक्यूट करने के समय एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक रेन, विंड वेलोसिटी मोर देन 10 मीटर पर सेकेंड हो रहा है कि नहीं इसे भी चेक करना पड़ता है। किसी भी तरीके का लिफ्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले क्रेन टेस्टिंग एंड उसका क्लियरेंस थर्ड पार्टी के द्वारा होना बहुत ही जरूरी है। क्रिटिकल लिफ्ट प्लान डेवलप करने के बाद क्रिटिकल लिफ्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ चेकिंग करना बहुत ही जरूरी है, उसमें लिफ्टिंग परमिट सही से फॉलोअप हो रहा है कि नहीं, नेक्स्ट लिफ्टिंग का रिस्क असेसमेंट प्रॉपरली किया गया है कि नहीं, लिफ्टिंग इक्विपमेंट का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अवेलेबल है कि नहीं, लिफ्टिंग ऑपरेटर का वैलिड लाइसेंस है कि नहीं, रिगर का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अवेलेबल है कि नहीं, लिफ्टिंग इक्विपमेंट और क्रेन का आउटरिगर एंड मेट्स कंडीशन सही है कि नहीं, क्रेन का कंप्यूटर सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, लिफ्टिंग इक्विपमेंट का लिमिट स्विच सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, लिफ्टिंग अप्लायंस का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अवेलेबल है कि नहीं, क्रेन का हुक का सेफ्टी लैच अवेलेबल है कि नहीं, लिफ्टिंग इक्विपमेंट का हाइड्रोलिक ऑयल से कोई लीकेज हो रहा है कि नहीं, लिफ्टिंग करने के समय किसी भी तरीके का ब्लाइंड स्पॉट जनरेट हो रहा है कि नहीं, लिफ्टिंग करने के लिए रिक्वायर्ड पीपी अवेलेबल है कि नहीं। अभी क्रिटिकल लिफ्टिंग का कुछ बेसिक चीज को डिस्कस करते हैं जिसमें लिफ्टिंग इक्विपमेंट में सबसे पहले क्रेन आता है जिसका टाइप्स ऑफ क्रेन में क्राउलर क्रेन, मोबाइल क्रेन, टावर क्रेन, रॉफ ट्रेन क्रेन, फ्लोटिंग क्रेन, गैंट्री क्रेन, एरियल क्रेन आता है। किसी भी तरीके का लिफ्ट को परफॉर्म करने के समय फॉलिंग ऑफ लोड का हैजार्ड, हीटिंग ऑफ लोड का हैजार्ड, टॉपलिंग हैजार्ड, पोर विजिबिलिटी हैजार्ड, हाई विंड स्पीड हैजार्ड, पोर कम्युनिकेशन हैजार्ड एंड डैमेज अंडरग्राउंड यूटिलिटी हैजार्ड इन्वॉल्व होता है। लिफ्टिंग वर्क को परफॉर्म करने के लिए बेसिक पीपी जो की जरूरत होता है उसमें सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शू, सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी ग्लोब्स एंड रिगर के लिए रिफ्लेक्टिव जैकेट को प्रोवाइड करना जरूरी है। क्रिटिकल लिफ्ट को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले लिफ्टिंग इक्विपमेंट का ऑनबोर्डिंग करवाना जरूरी है जिसमें लिफ्टिंग इक्विपमेंट का लीगल डॉक्यूमेंटेशन को चेक एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट का फिजिकल कंडीशन को चेक किया जाता है। लिफ्टिंग इक्विपमेंट को ऑनबोर्ड करने के बाद क्रिटिकल लिफ्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए रिगिंग स्केच प्रिपेयर करना जरूरी है। रिगिंग स्केच को प्रिपेयर करने के लिए लिफ्ट पॉइंट आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है, लोड को लिफ्ट करने के लिए क्या क्या अटैचमेंट जरूरी है
उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। लोड वेक्टर का आइडेंटिफिकेशन होना भी जरूरी है। लिफ्टिंग के लिए क्या सीलिंग एंगल होगा वो भी डिटर्मिनेशन करना जरूरी है। लिफ्टिंग के लिए क्या क्या एसेसरीज यूज होगा उसको भी प्री आइडेंटिफाई करना जरूरी है। लिफ्टिंग इक्विपमेंट का रेटेड कैपेसिटी कितना है उसे भी कम्युनिकेट करना एंड उसका भी नॉलेज होना जरूरी है। लिफ्टिंग करने के बाद वो लोड को कौन सा पाथ से लेके जाना है उसका लोड पाथ स्केच भी होना जरूरी है। लिफ्टिंग एंड ट्रैवल स्पीड का लिमिटेशन कितना होना चाहिए उसे भी डिटर्मिनेशन करना जरूरी है। ये सब रिक्वायर्ड पैरामीटर को आइडेंटिफाई एंड डिटर्मिनेशन करने के बाद रिगिंग स्केच प्रिपेयर्ड होता है एंड उसे साइनिंग किया जाता है बाय ऑथराइज्ड पर्सन। एंड लोड को लिफ्ट करने से पहले लिफ्टिंग अप्लायंसेस का भी टेस्टिंग रिकॉर्ड रखना जरूरी है। रिगिंग स्केच साइनिंग होने के बाद क्रिटिकल लिफ्ट परमिट टू वर्क अप्रूवल प्रोसेस फॉलो किया जाता है। अभी डिस्कस करेंगे कुछ डूज एंड डोंट्स जो कि किसी भी तरीके का लिफ्टिंग वर्क के लिए हमें करना है और क्या चीज हमें नहीं करना है। जिसमें किसी भी तरीके का लिफ्ट को परफॉर्म करने के लिए लिफ्टिंग इक्विपमेंट का एंड अप्लायंसेस का वैलिड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना जरूरी है एंड लिफ्टिंग कैपेसिटी आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्प्ले होना जरूरी है। हमेशा रिगिंग कैपेसिटी लिफ्टिंग लोड से ज़्यादा होना चाहिए। हमेशा ओनली वन कॉम्पिटेंट पर्सन ही सिग्नल देना चाहिए क्रेन ऑपरेटर को। किसी भी क्रेन अगर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल लाइन अप टू 50 किलो वोल्ट के आसपास में काम कर रहा है तो उसका डिस्टेंस 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्रेन का काउंटर वेट एंड हाउसिंग रोटेशन रेडियस हमेशा प्रॉपरली बैरिकेड होना जरूरी है। क्रेन को लिफ्ट करने से पहले रिटर्न लिफ्टिंग प्लान होना जरूरी है। हमेशा लिफ्टिंग टूल एंड क्रेन को इंस्पेक्टेड करना जरूरी है। क्रेन में हमेशा सेफ वर्किंग लोड को मार्क करना जरूरी है। हमेशा ख्याल रखना है कि क्रेन हमेशा ग्राउंड से लिफ्टेड रहे आउटरिगर पैड के द्वारा। क्रेन से लोड को लिफ्ट करने के समय एरिया को बैरिकेड करना बहुत जरूरी है। लिफ्टिंग करने से पहले लोड में टैग लाइन टाई करना बहुत जरूरी है। डी शकल का हुक को होल्ड करना है रॉड के द्वारा एंड सीलिंग को अटैच करना है शकल के द्वारा। डी शकल का पिन हमेशा हुक रहना चाहिए लॉक के द्वारा। अभी लिफ्टिंग करने के दौरान क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए, जैसे कि लिफ्टिंग करने के बाद लोड को पुल नहीं करना चाहिए। लिफ्टिंग करने के समय किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं करना चाहिए लोड के नीचे जाने के लिए। लिफ्टिंग करने के समय किसी भी पर्सन को स्विंग जोन के अंडर प्रवेश करना देना नहीं चाहिए। किसी भी लोड को सेफ वर्किंग लोड से ज्यादा नहीं लिफ्ट करना चाहिए। डिफेक्टिव टूल्स एंड टैकल्स को लिफ्टिंग करने के समय यूज करना नहीं चाहिए। कभी भी रोप को डायरेक्टली हुक में रैप करना नहीं चाहिए। कभी भी साइड लोडिंग नहीं करना चाहिए जिससे क्या क्रेन टॉपल कर सकता है। लोड जब सस्पेंडेड कंडीशन में है ये कंडीशन में क्रेन के ऊपर राइड करना नहीं चाहिए। अगर विंड स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो रहा है ये कंडीशन में लिफ्टिंग वर्क को स्टॉप कर देना चाहिए। लिफ्टिंग करने के समय कभी भी रोप को स्विंग एंड ट्विस्ट होने देना नहीं चाहिए। किसी भी तरीके का इनकॉम्पिटेंट क्रेन ऑपरेटर एंड रिगर को अलाउ नहीं करना चाहिए लिफ्टिंग करने के समय। किसी भी नॉन इंस्पेक्टेड सीलिंग एंड रोप को यूज करने देना नहीं चाहिए लिफ्टिंग करने के समय। रिक्वायर पीपी को यूज ना करते हुए कोई भी पर्सन को लिफ्टिंग करने का अलाउ नहीं देना चाहिए। क्रिटिकल लिफ्टिंग वर्क का परमिट टू वर्क में सबसे पहले जॉब एरिया को हैंडओवर करना पड़ता है बाय द परमिट ओनर मैनेजर। जॉब एरिया हैंडओवर होने के बाद लिफ्टिंग इक्विपमेंट का टेस्टिंग एंड अप्रूवल होना जरूरी है परमिट एग्जीक्यूटर मैनेजर एंड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा। लिफ्टिंग इक्विपमेंट टेस्टिंग एंड अप्रूवल हो जाने के बाद जॉब एरिया का इंस्पेक्शन करना जरूरी है जो कि परमिट ओनर मैनेजर एंड परमिट एग्जीक्यूटर मैनेजर परफॉर्म करेगा। जॉब एरिया इंस्पेक्शन होने के बाद लिफ्टिंग इक्विपमेंट को प्लेस किया जाता है जो कि परमिट ओनर मैनेजर एंड परमिट एग्जीक्यूटर परफॉर्म करता है। लिफ्टिंग इक्विपमेंट को प्लेस करने के बाद क्रिटिकल लिफ्ट वर्क परमिट टू प्रोसेस को फॉलो किया जाता है एंड उसके बाद क्रिटिकल लिफ्ट परमिट टू वर्क को इशू किया जाता है।
क्रिटिकल लिफ्ट परमिट टू वर्क इशू करने के बाद क्रिटिकल लिफ्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसमें लिफ्टिंग इक्विपमेंट का फिटनेस को वेरीफाई एंड अप्रूवल किया जाता है बाय द परमिट एग्जीक्यूटर रिगर के द्वारा। उसके बाद लिफ्टिंग एरिया में एडिक्वेट अरेंजमेंट एंड लिफ्टिंग प्लान को एस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें इल्यूमिनेशन, वेदर कंडीशन ये सबको भी चेक किया जाता है एंड ये एक्टिविटी परमिट एग्जीक्यूटर मैनेजर के द्वारा परफॉर्म होता है। रिक्वायर्ड एडिक्वेट अरेंजमेंट एंड लिफ्टिंग प्लान को एस्टेब्लिश करने के बाद प्रॉपर पीपी एंड सेफ्टी इक्विपमेंट को प्रोवाइड किया जाता है परमिट एग्जीक्यूटर के द्वारा। पीपी एंड सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के बाद टूल बॉक्स मीटिंग को परफॉर्म किया जाता है परमिट एग्जीक्यूटर के द्वारा। टूल बॉक्स मीटिंग करने के बाद वो एरिया में बैरिकेड किया जाता है परमिट एग्जीक्यूटर के द्वारा एंड उसके बाद क्रिटिकल लिफ्टिंग वर्क एग्जीक्यूट होता है एंड क्रिटिकल लिफ्ट एग्जीक्यूशन करने के समय क्रिटिकल लिफ्ट एरिया पेट्रोलिंग भी किया जाता है बाय द परमिट ओनर मैनेजर, परमिट एग्जीक्यूटर मैनेजर एंड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा। क्रिटिकल लिफ्ट को एग्जीक्यूशन करने के बाद जितना भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट को यूटिलाइज किया गया था उसको रिमूव किया जाता है परमिट एग्जीक्यूटर के द्वारा। लिफ्टिंग इक्विपमेंट को रिमूव करने के बाद वो एरिया का इंस्पेक्शन किया जाता है परमिट एग्जीक्यूटर के द्वारा एंड उसके बाद जॉब एरिया को हैंडओवर टेक ओवर किया जाता है परमिट टू ओनर को। जॉब एरिया को हैंडओवर करने के बाद क्रिटिकल लिफ्ट वर्क परमिट टू वर्क प्रोसेस कंप्लीट होता है एंड ये जो एंटायर प्रोसेस सही तरीके से परफॉर्म किया गया है कि नहीं इसे ऑडिट करता है सेफ्टी ऑफिसर। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।